नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे फोर्स मोटर्स के बलवान ट्रैक्टर पुराने मॉडल और नए मॉडल में क्या बदलाव किए गए हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम में, इसमें मर्सिडीज बेंच का जो इंजन लगा हुआ है ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ, यह चार सिलेंडर में लगा हुआ है। ये बलवान 400 सुपर के नाम आता है। पहले का जो बलवान था, इसमें खास बात क्या, हाइड्रोलिक पंप इंजन में दे दिया गया। पहले के बलवान में हाइड्रोलिक पंप जो होती थी गियर बॉक्स में अटैच होती थी। अभी इसकी खास बात एक और देखिए, इसमें जो वाटर सेपरेटर है इसकी जगह चेंज करके ऊपर दिया गया है, पुराने बलवान में अलग से थी। साथ में इसमें एयर क्लीनर बड़ी साइज का लगाया गया, प्री क्लीनर भी बड़ा लगाया गया है। हम इसके गियर बॉक्स सिंक्रोमेस गियर बॉक्स कॉन्स्टेक्ट मेस गियर बॉक्स अब इसमें दिया गया है, जो पहले सिंक्रोमेस गियर ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ में ट्रैक्टर आ रहा है। इसमें साथ में पावर स्टीयरिंग का आयल, पावर स्टीयरिंग के आयल सादा ट्रैक्टर पहले बलवान था। अब ये फोर सिलेंडर गिन लीजिए, इंजेक्टर की जो पाइपें लगी हुई हैं इससे पता चल रहा है कि ये फोर सिलेंडर बलवान 400 सुपर है। पहले की बलवान 400 में थ्री सिलेंडर होता था। अभी इसमें खास चीज़ आप देख रहे हैं, जो हाइड्रोलिक फिल्टर इंजन का लगा हुआ है और इंजन नीचे पाइप यहाँ से जाके इसमें पीछे फिटिंग दी गई, बीच में एक फिल्टर दिया गया है जिससे कि आपका समय पे बदल सकते हैं आसानी से। सेंटर गियर लीवर आपका इसमें रहेगा ताकि कास्ट आपकी कम हो पाए ट्रैक्टर की। इसके साथ में हम खास ध्यान देंगे इसके डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील, ड्राइवर इजी वे में आसानी से। साथ में इसमें आयल में डूबा हुआ सील बंद डिस्क ब्रेक है जिसका डायग्राम में शो हो रहा है। साथ में आयल में डूबे होने की वजह से इसकी लॉन्ग लाइफ है। अच्छा, इसमें हम खास देंगे डबल स्पीड की पीटीओ है, 540 और 1000 दोनों हम यूज कर सकते हैं। हमारा ये क्या यंत्र है, पीटीओ के लीवर की लंबाई भी बढ़ा दी गई है। साथ में 13/6/28 टायर के साथ में अब ये बलवान 400 सुपर आपको कम रेट में सस्ता ट्रैक्टर मिलेगा। अभी क्या था, इसमें खास ध्यान दीजिए, हाइड्रोलिक में जो लोअर लिंग लेबलिंग है ये चेंज किया गया है। साथ में इसका हाइड्रोलिक का कंट्रोल वाल्व देखिए, इसका डिज़ाइन कैसे काम कर रहा, सेंसर में 3 पिन लगा हुआ है पहले बलवान में। इसका ट्रॉली हिच की भी डिज़ाइन चेंज की गई जिससे ट्रैक्टर आगे से, साथ में ये लोअर लिंक पीवेट पिन टूटने की शिकायत दूर हो गई, दोनों साइड से पकड़ अच्छे से बना जिससे लोअर लिंक पिन नहीं टूटी। साथ में मडगार्ड में एलएन की बोल्ट हटा के लंबा बोल्ट सादा बोल्ट दिया गया है। साथ में इसमें लोअर लिंक पिन और चेक चेन दोनों में चेंजेस किया गया जिससे टूटने की शिकायत दूर हो गई। किसान का लंबे लाइफ लोअर लिंक और चेक चेन का आपका टूटने पोजीशन और ड्राफ्ट, जिसमें हम आपको अगर हल चलाएंगे कल्टीवेटर तो आपको ड्राफ्ट में जुताई करना, ऊपर यहाँ हम मेंशन किए हैं, रोटावेटर के लिए पोजीशन में करेंगे। साथ में खास ध्यान दीजिए पोजीशन ड्राफ्ट की खूंटी किधर रखनी है जुताई के वक्त, उसको आपको खास ध्यान। साथ में ट्रांसपोर्ट लॉक दिया गया रोड पर चलते समय, इसको आप ट्रांसपोर्ट लॉक यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं। साथ में इसमें पावर स्टीयरिंग का लीवर बगल में दिया हुआ है, इसको बिना वजह का ऑपरेट ना करें, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे पाइप तो आपका पावर ये आपका जो है सप्लाई आयल का प्रेशर ट्रॉली में चला जाएगा। साथ में इसमें ब्रीदर दिए होने की वजह से आयल लीकेज की शिकायत दूर हो गई। सबसे बड़ी बात इसमें है दोहरे स्पीड पीटीओ की वजह से आपका फ्यूल सेविंग 1540 शो कर रहा है इस डायग्राम में और फोटो में, जिसकी वजह से आपका फ्यूल सेविंग काफ़ी कम हो जाता है। साथ में इतने सारे यंत्र इसमें, रोटावेटर, हायरो, लेबलर, मल्चर, कल्टीवेटर, थ्रेसर सब चला सकते हैं। साथ में इसमें देखिए ग्रीसिंग निपल के पॉइंट दर्शाए गए हैं, ग्रीसिंग समय टू समय करने से ट्रैक्टर के पुर्जों में घिसावट कम आएगी। इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको ट्रैक्टर में चर्चा करेंगे, इसमें आपका देखिए जो है बैटरी बॉक्स का डिज़ाइन, पावर स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग का यहाँ से अटैच किया गया है जिसकी वजह से ब्रेकेज वगैरह की शिकायत नहीं। साथ में इसमें साइलेंसर मोटा दिया गया, पहले बलवान में नॉर्मल साइलेंसर आता था, छोटा आता था, पतला, एग्जॉस्ट गैस इजी वे में निकल पाएगी जिसकी वजह से डीजल खपत, ट्रैक्टर का नाम देखिए बलवान 400 सुपर के नाम ये ट्रैक्टर मिलेगा, जो सारे बदलाव के साथ आपको कम रेट का ट्रैक्टर और अच्छे खासे मॉडिफिकेशन के साथ में ट्रैक्टर दिया गया है।
इसमें इम्पॉर्टेंट ध्यान दीजिए, इसमें डिफरेंशियल लॉक देने की वजह से बरसात में कहीं भी ट्रैक्टर फंसता है तो इसी में इसको यूज़ करके ड्राइवर पार कर देता है, उसकी परेशानी बच जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट खास ध्यान दीजिए, पावर स्टेयरिंग का जो हम पाइप या से यूज़ किए हैं इसमें जो है लो मेंटेनेंस कास्ट आती है कस्टमर। फोर्स मोटर बलवान ट्रैक्टर जब सन 2005 में लॉन्च हुआ था, इसके बाद अब 2023 का बलवान 400 सुपर के एपिसाइक्लिक गियर में चेंज की गई, जिससे आवाज़ कम आती है पीछे, एक्सल नॉइज साउंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।